हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मटर की चाट। मटर आसानी से आपको मिल जाएगी और ये मटर को मैंने रात में भिगो दिया। इसको भिगोने के लिए समथिंग 4 घंटे की चाहिए होते हैं, तो इस तरीके से आप 4 घंटे पहले भिगो दीजिए और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपको जल्दी भिगोना है तो आप गुनगुने पानी में भी भिगो सकते हैं, तो 2 घंटे में भी भीग सकती है मटर। तो गाइस इस तरीके से मटर भीग चुकी है, अब इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। तो गाइस मटर को मैंने धो लिया है 2-3 पानी से और इसके पंख छन्नी से इस तरीके से डलिया में रख के पानी को निकाल दिया और धो के साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से मटर बिल्कुल परफेक्ट धुल चुकी है और साफ भी हो गई है। इसको बॉइल करने के लिए कुकर लेंगे और कुकर में मटर को डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गाइस पानी इसमें 2 ग्लास समथिंग डाल देंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और जल्दी बॉइल करना है गाइस तो एक प्रोसेस और है, इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं, नहीं हो तो एक चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं। और इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको रखेंगे गैस के ऊपर। गैस को ऑन करेंगे, गैस को ऑन करके इसमें कम से कम 5 सीटी लगानी है। 5 सीटी लगाने के बाद इसको जल्दी नहीं खोलना है, 15 मिनट के बाद ही खोलना है। तो गाइस मिलते हैं इसमें 5 सीटी आ जाने के बाद और इसको ठंडा होने के बाद ही इसको खोलना है, इससे पहले नहीं खोलना है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि 4 सीटी आ चुकी हैं और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसमें जो गैस बनी हुई है इसको सीटी को निकाल देंगे और 5 मिनट हो चुका है गैस को ऑफ किए हुए, कुकर को खोलेंगे। सो गाइस चाट बन चुकी है, ये उबल चुका है ये मटर। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसको चाहे तो आप एक कटोरी में अलग से निकाल दें। ये एक्स्ट्रा पानी जो है इसको इस तरीके से निकाल देंगे। उसको चलाएंगे तो देखेंगे कि मटर गली है कि नहीं। मटर अभी थोड़ी सी गल रही है, इसको दोबारा वापस रखेंगे गैस पर और इसमें सीटी लगाएंगे। इसको तुरंत नहीं खोलना है कुकर को, मैंने तुरंत खोल दिया है और 4 सीटी लगाई थी, तो इसमें गैस 4 सीटी और लगाएंगे। इसको वापस गैस पर रख देंगे, इसको फिर से गैस पर रख दिया है और इसमें 4 सीटी लगाने के बाद 15 मिनट के बाद इसको खोलेंगे कुकर को। सो गाइस दोबारा से मैंने सीटी लगा के कुकर को खोला है और इसमें 5 सीटी लगाई थी समथिंग और ये मटर पक के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से गाइस आप मटर को गला सकते हैं। मटर को गलाने के लिए गाइस समथिंग 8 सीटियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये मटर बन चुकी है। सो गाइस अब बनाएंगे मटर की चाट। सो गाइस मटर की चाट बनाने के लिए इसको हटा देंगे और एक प्लेट रखेंगे, प्लेट में ले लेंगे मटर। बॉयल की हुई मटर मैंने ले ली है और इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो टमाटर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसमें प्याज डाल देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मीठी चटनी, मीठी चटनी डालेंगे इसके ऊपर हरी चटनी। आप देख सकते हैं जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में हरी चटनी डाली थी वीडियो, वो आप देख सकते हैं हरी चटनी किस तरीके से बनाते हैं। और हरी चटनी खट्टाई पड़ी हुई है, खूब बढ़िया टेस्टी चटपटी। और ये डालने के बाद डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर, जलजीरा पाउडर या आमचूर पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक चुटकी आमचूर पाउडर, नींबू के बीज निकाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर,
एक चुटकी गरम मसाला, काला नमक, वन टीस्पून दही, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे। इस तरीके से गैस बन के तैयार हो चुकी है चटपटी चाट मटर की। इस तरीके से गैस बनाइएगा और खाइएगा। सो गैस चाट की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और कम्युनिटी बॉक्स में जाइएगा, उसमें भी एक मैंने नोटिफिकेशन दी है, उसमें भी आप मेरे चैनल को शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गैस चटपटी चाट मटर की बन के तैयार हो गई है, तो गैस खाइएगा।